नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 200R का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही हीरो ने अपनी एक्सट्रीम सीरीज की 3 बाइक्स को लॉन्च किया है। एक्सट्रीम 200S जो कि एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है, एक्सट्रीम 200T और एक्सट्रीम 200। तो दोस्तों, जैसे ही ये तीनों बाइक्स हमारे नियर बाय हीरो शोरूम्स पर अवेलेबल होगी, तो मैं उन तीनों बाइक्स का डिटेल रिव्यू आप सभी तक लेकर आऊँगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 200R के बारे में। तो दोस्तों, ये हीरो कंपनी से ही लॉन्च की गई 200cc की स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन मैं इसको पूरी स्पोर्ट्स बाइक नहीं समझूंगा, क्योंकि ये सिर्फ 50% स्पोर्ट्स बाइक दिखती है, वो भी सिर्फ इसके एक्सटेंशन डिज़ाइन, कंप्लीट बाइक की बॉडी पर ग्राफिक्स, मस्कुलर टैंक और रेयर टायर, जो आपको काफ़ी मोटा मिलता है। तो बस इन्हीं चीज़ों की वजह से ये बाइक थोड़ी बहुत स्पोर्टी लगती है, और बाकी की 50% में ये कम्यूटर सेगमेंट बाइक लगती है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको और दूसरी कंपनीज की 200cc की बाइक्स में देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक डिसएडवांटेज मेरे को लगा है, क्योंकि ये 200cc के सेगमेंट की बाइक है, तो डेफिनेटली इसमें आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन तो मिलना था, लेकिन ठीक है, सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, अगर इसकी प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस है 1,07,000 ऑन रोड दिल्ली, और इसमें आपको सिर्फ यही एक वेरियंट मिलता है ड्यूअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS का। बाकी इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप अपने नियर बाय हीरो शोरूम्स पर इसकी प्राइस कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट और सिटी का प्राइस अलग अलग होता है। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो कॉर्नर्स पर आपको LED पायलट लैंप्स मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को एक स्टाइलिश लुक देते हैं, और कन्वेंशनल हेडलैम्प इसमें आपको मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ में। बाकी दोस्तों, इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको स्टाइलिश फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, उनमें बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे, लेकिन वो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो पीछे दोस्तों आपको कर्व्ड डिज़ाइन में LED टेल लाइट मिलती है। दोस्तों, LED टेल लाइट एक बहुत ही अच्छा फीचर है, उससे जो आपकी टेल लाइट की विजिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जो पर्सन पीछे राइड कर रहा होता है उसे हमारे टेल लाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छे से विजिबल होती है। और इसमें आपको फाइबर का फ्लेक्सिबल मडगार्ड भी मिलता है, जिससे अगर आपके मडगार्ड को कोई डैमेज करने की कोशिश करता है तो मडगार्ड जल्दी से डैमेज नहीं होता है, बस वो थोड़ा बहुत मुड़ता है लेकिन वो टूटता नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 199.6cc का सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व्स एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 18.1 bhp एट 8000 rpm का पावर और 17.1 Nm एट 6500 rpm का टॉर्क मिलता है। और दोस्तों, इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 5 मिलते हैं। और इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको किक का ऑप्शन भी मिल जाता है। 200cc के सेगमेंट में ऐसी बहुत ही कम बाइक्स होंगी जिसमें आपको किक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें आपको किक का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपको टोटल RPM बता दिया जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका टोटल स्पीड, टोटल किलोमीटर, आपका फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, ये सब इसमें मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको सारे बेसिक से इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, आपका ABS इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, पास इंडिकेटर, और यहाँ आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों, बाइक की हैंडलिंग और स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किया गया है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, आपका पास स्विच, और यहाँ आपको चॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसमें आपको स्विचेस बैकलाइट्स मिलती तो वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती, क्योंकि आजकल हर 200cc की बाइक्स में आपको स्विचेस बैकलाइट्स मिलती है, क्योंकि वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो नाइट में आपके सारे स्विचेस को विजिबल कराने में हेल्प करती है, तो आप उसको आराम से जज करके अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हो, जिस समय पर आपको पास इंडिकेटर देना चाहिए आप दे सकते हो, तो वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल फीचर होता। लेकिन यहाँ आपको स्विचेस बैकलाइट्स नहीं मिलती है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन में भी आपको ये फीचर मिल जाए।
फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ मडगार्ड पर आपको ABS का ब्रांडिंग भी मिल जाता है, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों सिंगल चैनल ABS ही आपको यहाँ मिलता है। फ्रंट टायर साइज के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको 100x80 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज और 276 mm का इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जिसमें आपको 130x70 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज और 220 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हो काफी मोटा टायर आपको यहां मिलता है जिससे आपकी जो बाइक है वो काफी स्पोर्टी लगती है और काफी अट्रैक्टिव लुक ये अपनी बाइक को पीछे से देती है। सीट के बारे में बात किया जाए तो उसमें आपको सिंगल सीट का ही ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको स्प्लिटेड सीट नहीं मिलती है। राइडर सीट और पिलियन सीट दोनों ही आपको इसमें साथ में मिलती है जिससे अगर आप 2 या 3 लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियन है उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई भी पेनिंग नहीं होगी क्योंकि जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर आप कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू हीरो Xtreme 200R से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।